मेरे चैनल पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, वेलकम है आप सभी का मेरे किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर कोरमा। पनीर कोरमा ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो आप देख लीजिए। तो पहले सबसे पहले पनीर के मैं पीसेस कट कर लूँगी, ऑनियन को भी मैं कट कर लूँगी स्लाइस में। मैंने 3 बड़े ऑनियन्स लिए हैं और ये मैंने खड़े मसाले कुछ लिए हैं, और ये मैंने बाउल में ये कर्ड हाफ बाउल लिया है, और ये मैंने लिया है रेड चिली और टर्मरिक पाउडर और साल्ट और धनिया पाउडर और गरम मसाला। ये अपने टेस्ट के अनुसार आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले और ये मैंने लिया है घर की मलाई और ये ऑयल बनाने के लिए। तो चलिए हम पहले पनीर को मैरिनेट करके रख लेते हैं, 20 मिनट्स उसको रखना पड़ेगा। पनीर को लिया है इसके अंदर मैं पनीर के पीसेस में, फिर मैं ये इसमें कर्ड ऐड कर लूँगी, और कर्ड ऐड करके और ये मैं सारे मसाले ले लूँगी एक साथ इसमें ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके 20 मिनट में रख दूँगी। मैं अभी इसको करके रख देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, अब इसको मैं कवर कर दूंगी। कवर करके मैं इसको 20 मिनट्स रखूंगी। कढ़ाई लूंगी और कढ़ाई गरम करके फिर इसमें मैं ऑयल ऐड करूंगी, और मैं पहले ऑनियन को फ्राई करके निकाल लूंगी और फिर मैं उसका पेस्ट बना लूंगी ऑनियन का। तो आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ, और ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें मैं ऑनियन डालूंगी। ये मैं डाल के देख लूँगी। हाँ, ऑयल गरम हो गया है मेरा, तो अब मैं इसके अंदर ओनियन ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से रेड होने तक फ्राई करूँगी। प्याज मेरी थोड़ी भुन गई है, तो इसके अंदर मैं एक मुट्ठी काजू भी लूँगी, इसको भी मैं इसी के साथ फ्राई कर लूँगी, और इसके साथ ही इसका इसको भी मैं पीस लूँगी, साथ में ये भी भून दूँगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा हो गया है ऑनियन और थोड़ा काजू भी हो जाएगा, फिर मैं इसको ठंडा करके ब्लेंड कर लूँगी। तो आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ, अभी मुझे 2-3 मिनट और लगेगा इसको फ्राई करने में, थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा तो इसको करूँगी मैं। अच्छे से काजू और ऑनियन दोनों फ्राई हो गया है, तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसको मैं फिर इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, फिर आगे करती हूँ। ये मैंने ऑनियन को ब्लेंड करके मैंने ये पेस्ट बना लिया है, देखिए ऐसा पेस्ट हमको बनाना है। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे और उसके अंदर ये गरम हो गया है, अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल गरम हो गया है, अब इसके अंदर मैं पहले सबसे पहले खड़े मसाले ऐड करूँगी। ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, रेड चिली और बेल लीफ, और ये थोड़ा सा ऐसे सौते करेंगे, भुन जाएगा ये। और खड़े मसाले ऑयल में डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में, तो इसलिए मैंने इस तरह से मैं बनाती हूँ। अब इसके अंदर मैं ये पेस्ट को ऐड करूँगी जो मैंने बनाया है। गैस को लो कर दूँगी। अभी ये थोड़ा भून लिया है मैंने इसको, फिर अभी इसके अंदर ग्रेवी के हिसाब से मैं थोड़े मसाले ऐड करूँगी, तो अभी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये मसाले अच्छे से भुन गए हैं, देखिए अच्छे से, और थोड़े ऑयल छोड़ दिए हैं। अब इसके अंदर मैं पनीर ऐड करूँगी। ये मेरा मसाला रेडी हो गया है, अब इसके अंदर मैं पनीर को ऐड कर दूँगी। और थोड़ा आप
वाटर ऐड करना चाहते हैं, जैसा आपको पसंद हो ग्रेवी वैसा आप कर सकते हैं। मैंने ऐसा रखा है ग्रेवी, ऐसा मुझे पसंद है, आपको जैसा करना हो वैसा कर सकते हैं। अब इसको मैं 10 मिनट कवर करूँगी और फिर इसके बाद मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 10 मिनट पकाना है। मेरा रेडी हो गया है, इसके अंदर अब मैं कसूरी मेथी ऐड करके थोड़ी देर और कवर करूँगी और फिर मैं सर्व करके आपको दिखाऊँगी। तैयार है मेरा पनीर कोरमा फ्रेंड्स, तो बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रहा है, देखिए कलर कितना अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और तब तक के लिए, नेक्स्ट रेसिपी आए तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।